अभी कल मैंने आप लोग के लिए कुछ वो तैयार किया, सेट तैयार किया है कि एग्जैक्टली हम लोग जिस जिस क्लास में जो जो पढ़ते जा रहे हैं उसका पूरा सेट आपके लिए मैंने बना दिया है, ठीक है। तो अभी आपको दिक्कत नहीं होगी कि हमने क्लास वन को रिवाइज करना है तो कैसे रिवाइज करूँ, क्लास टू को कैसे रिवाइज करूँ। एक बार में आप सिर्फ देखो कि क्विक रिविज़न हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कल मैंने बड़े मेहनत करके आपके लिए तैयार किया जिससे कि आपको ईजी हो जाए, लेकिन वो कब, जब ऑटो कैड आपका फिनिश हो जाएगा तब, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको भी आइडिया रहेगा कि अच्छा ठीक है अभी फिनिश हो गया तो रिवीजन करने के लिए बड़ा आसान हो गया, फटाफट एक नोट्स मिलेगा उस पर बस रिवाइज कर लेना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सबने प्लान बना लिया होगा, सेक्शन एलिवेशन बना लिया होगा, थोड़ा मज़ा भी आया होगा, थोड़ा टफ भी लगा होगा कुछ लोग को, ठीक है। लेकिन यही तो इसी का नाम तो सीखना है, ठीक है। तो देखते हैं अभी किसने कितना बनाया है। उससे पहले हम लोग चल रहे हैं अभी देखने कि जब भी कभी एक एलिवेशन को बनाते हैं, जब भी कभी एक सेक्शन को बनाते हैं, तो उस समय पर क्या क्या चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है। तो चेकलिस्ट जैसे कि हम लोगों ने वर्किंग फ्लोर प्लान का बनाया था, वैसा ही हमें चेकलिस्ट देखना है एक सेक्शन का और एक एलिवेशन का। ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होता है, बहुत आसानी से पता चल जाता है। तो चलो देखते हैं पहले। नितिन और प्रवीण आ गए हैं, चलो अभी देखते हैं और उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो कल मैंने आपके लिए एक्चुअली में जस्ट अ मिनट, एक छोटा सा फाइल शायद काम का है मेरे, ठीक है। ये मैंने आपके लिए कल तैयार किया है। इसमें आपको जितने भी आपके क्लासेस होते जाएंगे उनके यहाँ पर रिकॉर्ड्स आपको मिलते चले जाएंगे। मतलब कि जैसे कि अभी आपको क्लास वन को रिवाइज करना है तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जस्ट इसको ओपन करना पड़ेगा और आप देख लोगे कि हमने क्लास वन में क्या क्या स्टडी किया था। क्लास टू को रिवाइज करना है तो जस्ट यहाँ पर आओगे आप, क्लास टू को फटाफट रिवाइज कर पाओगे। क्लास थ्री को आओगे बस फट से देख लोगे, क्लास फोर को भी आओगे सिर्फ फर्स्ट फटाफट देख लोगे। क्लास फाइव को रिवाइज करना है आराम से रिवाइज कर पाओगे, क्लास सिक्स को रिवाइज करना है आराम से रिवाइज कर पाओगे। कोशिश है कि आपके हर क्लासेस का नोट्स ऐसे ही सेट करके दे दूं जिससे कि आपको सिर्फ और सिर्फ ओपन करना रहे स्लाइड और आप रिवाइज कर लें 1 मिनट के अंदर कि अच्छा इस क्लास में ये पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। फिलहाल मैंने लगभग जो आपके एडवांस में ही सारे बना रखे हैं। कोई मैसेज किया हुआ है क्या? इन्होंने मैसेज किया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग अमित कुमार। चलो तो आज का जो हम लोग का क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है चेकलिस्ट का, ठीक है। उसके बाद एक डेफिनेटली असाइनमेंट्स भी करेंगे और आपका असाइनमेंट्स देखेंगे भी, ठीक है। तो इस ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, सेक्शन और एलिवेशन का चेकलिस्ट काफ़ी आसान होता है। कभी भी जो एक सेक्शन होता है, सेक्शन में जैसे आप लोगों ने सेक्शन ड्रॉ किया होगा तो डेफिनेटली कुछ लोगों को सेक्शन ड्रॉ करने में सच में प्रॉब्लम आई होगी और वो आती है। कम से कम 5-6 जब तक प्लान नहीं बना पाते हो आप, तब तक वो प्लान वो आपके पास प्रॉब्लम आती रहेगी और आप परेशान होते रहोगे, बट 5-6 बनने के बाद ऑटोमेटिक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जिससे कि आप प्रॉपर सेक्शन बना सको या फिर जो आपने बनाया है वो गलत ना हो। सबसे पहली चीज़, फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो कि आप लोगों ने दिया होगा आज, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, एग्जैक्टली जो भी हाइट है उसका ऑफ द बिल्डिंग्स एज पर सेंसस म्युनिसिपल ड्राइंग्स। तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही हमें हाइट देनी चाहिए कि इसका 10 फीट दिया गया है, कि 11 फीट दिया गया है, कि 10.5 फीट गया हुआ है, सब कुछ। ऑल संक, जहाँ जहाँ पर संक यूज किया है, बालकनी में अगर यूज किया है, ठीक है, डेप्थ टेरिस का, टॉयलेट का, बालकनी का, जो भी दिया हुआ है, तो जहां पर जो डिजाइन आई हुई है कि बालकनी थोड़ा नीचे है तो उसका डिटेल नीचे से ही करके देना चाहिए। तो वो प्रॉपर जब अगर करोगे तभी जाके सही तरीके से आएगा। अभी देखता हूँ किसने कितना बनाया हुआ है। हाइट ऑफ द एलिवेशन प्रोजेक्शन, ठीक है, जो भी डिजाइन निकला हुआ है, प्रोजेक्शन निकला हुआ है, उसकी हाइट क्या एग्जैक्टली है ये भी हमें सेक्शन के अंदर दिखाना चाहिए। पैरापिट हाइट, रेलिंग्स, परिधि हाइट, ठीक है, परिधि मतलब जैसे लिफ्ट की परिधि है उसका चारों तरफ का, उसकी भी हाइट हमको अलग से दिखानी चाहिए। रेलिंग की जो हाइट है, ठीक है, डेफिनेटली अगर रेलिंग आपने बनाया होगा तो आपको रेलिंग की हाइट रिप्रेजेंट करनी चाहिए, पैरापिट बनाया है तो पैरापिट की हाइट रिप्रेजेंट करनी चाहिए।
सील हाइट, सील हाइट मतलब क्या होता है, कई लोग को पता होगा कई लोग को नहीं पता होगा, जो हमारा क्या बोलते हैं प्लिंथ लेवल है वहां से लेके जो विंडो की जो हाइट होती है ठीक है, उसको हमको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सील हाइट बोलते हैं। लिंटेल हाइट क्या होती है, आपके डोर के ऊपर जस्ट जो आपका डोर होता है इसके जस्ट ऊपर एक लिंटेल बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं लिंटेल हाइट ठीक है, डोर के जस्ट ऊपर जो कि 7 फीट की जिसकी हाइट होती है। रेज फ्लोर पोर्शंस हाइट ठीक है, जो भी फ्लोर पोर्शंस अलग से निकला हुआ है उनकी हाइट इफ एनी, अगर कोई स्टेयर या लॉबी या टेरिस वगैरह बना हुआ है तो उसका भी हमें हाइट प्रेजेंट करना चाहिए अपने सेक्शन के अंदर। ओके, कोई भी क्रिटिकल चीज दिखे ठीक है उसका हाइट हमें अलग से मेंशन कर देना चाहिए कि एग्जैक्टली इसका ये है। कोई भी अगर पार्किंग बना रहे हो तो एक पार्किंग लेवल मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड कितना बिलो बीम इज 2.4 मीटर, मतलब बीम के डेप्थ को छोड़ के भी आपको 2.4 मीटर बचना चाहिए, मतलब इतनी हाइट होनी चाहिए कि 2.4 मीटर आपके पार्किंग में भी बीम के नीचे बचा हुआ जगह है ठीक है जी। तो इसका बहुत ध्यान दोगे तब जाके आप अच्छे तरीके से सेक्शंस को ड्रॉ कर पाओगे ठीक है। अब इसके बाद है इन स्टेयर केस, सॉरी स्टेयर केस सेक्शंस, स्टेयर केस में काफी ध्यान से आपको देखना पड़ता है क्या, हाइट बिटवीन टू सक्सेसिव मिड लैंडिंग मस्ट बी गिवन, जो भी दो मिड लैंडिंग है, मिड लैंडिंग मतलब समझ रहे हो ऐसे गए तो ऊपर जाकर रुकोगे फिर उसके बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओगे, तो उसकी जो हाइट है वो हाइट हमेशा हमको प्रॉपर शो करना चाहिए, वो हाइट हमें हमेशा प्रॉपर अच्छे तरीके से शो करना चाहिए स्टेयर केस का। हेडवे मस्ट बी मेंशन, कितने पर पहुंच रहे हैं, हाइट जो पहुंच रहे हैं तो कितने पर पहुंच रहे हैं वो हमें जरूर दिखाना चाहिए स्टेयर केस के अंदर। सबसे टफ टास्क होता है स्टेयर केस को ही दिखाना। ट्रेड एंड राइजर मस्ट बी मेंशन ठीक है, आपको दिखाना चाहिए कि एक राइजर का जो वहां पर जो साइज है कितना दिया गया हाइट, और एक जो ट्रेड है उसका हाइट कितना दिया गया है ये भी प्रॉपर हमें दिखाना चाहिए। हाइट ऑफ द स्टेयर केस पैरापिट रेलिंग मस्ट बी मेंशन, पैरापिट हो या फिर रेलिंग जो भी आपने लगाया हुआ है ठीक है, पैरापिट मतलब कभी कभी स्टेयर केस के ऊपर देखा होगा आपने वॉल बना देते हैं ना, तो चाहे वॉल बनाया हो चाहे फिर रेलिंग लगाया हो उसकी हाइट हमको दिखानी चाहिए, तो अगर ये चीज कर लिए तो बेस्ट सेक्शन आप बना सकते हो। ओके जी, इन केस ऑफ डुप्लेक्स फ्लैट, कोई भी फ्लैट है 2 BHK 3 BHK, देर मस्ट बी सेक्शन ड्रॉन थ्रू द इनिशियल सॉरी इंटरनल स्टेयर केस, अंदर की जो स्टेयर केस है वहां से ड्रॉ होती हुई ही आपको सेक्शन बनाना चाहिए डुप्लेक्स वगैरह में। लीडिंग फ्रॉम लोअर फ्लोर टू अपर फ्लोर ऑल क्रिटिकल हाइट मस्ट बी मेंशन, जहां पे भी लगता है कि सामने जब इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा तो इस डायमेंशन की बार बार नीड होगी तो डायमेंशन जरूर शो कर देना। नॉर्मल क्लेचर ऑफ रूम डोर विंडो एंड ओपनिंग्स, कहीं पर ओपनिंग छोड़े हो तो कितना ओपनिंग छोड़े हो, विंडो लगाया हो तो किस साइज का लगाया हो, डोर लगाया हो तो किस साइज का लगाया हो, तो एग्जैक्टली आपको उसको नाम दे देना चाहिए, आर्किटेक्चर डिटेल्स देना चाहिए कि ये वाला रूम इधर है, ये वाला कॉलम इधर है, ये सॉरी ये वाला रूम इधर है, जो भी है वो आर्किटेक्चर डिटेल आपको सबमिट करना चाहिए। ब्लॉक प्लान विथ नॉर्थ की शोइंग द सेक्शन लाइन ठीक है, आपको दिखा देना चाहिए कि इसका ये डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन से पूरा का पूरा बन रहा है। लेवल ऑफ रिस्पेक्ट टू एडजॉइनिंग मेन रोड, जो भी मेन रोड है ठीक है, डेफिनेटली मेन रोड हर जगह पर होगा, उससे कितना ऊपर जाके हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं तो प्लस या माइनस, कभी नीचे अंडरग्राउंड जाने वाले हैं तो माइनस इतना हमें दिखा देना चाहिए कि ये रोड है और इसके सामने से हम बना रहे हैं, इतना हाइट ऊपर जाके बना रहे हैं कितना हाइट नीचे, तो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट टू एडजॉइनिंग मेन रोड प्लस माइनस जो भी है दिखाओ। एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल, अभी जो करेंट में ग्राउंड लेवल है वो दिखाओ। मेड अप लेवल्स, कहाँ से एग्जैक्टली काम स्टार्ट होगा वो बताना चाहिए, और फाउंडेशन लेवल कौन सा है ये भी दिखाना चाहिए, तो ये प्रॉपर सही तरीके से आपको सबमिट करना चाहिए। मेंशन द क्लियर हाइट बिलो शंक स्लैब, शंक स्लैब के नीचे आपको प्रॉपर हाइट दिखाना चाहिए कि इतना बचा हुआ हाइट है। इंटरनल स्टेयर केस, अंदर का कोई स्टेयर केस है उसके नीचे कितना जगह बचा हुआ है वो भी दिखाना चाहिए, सो दैट कि वो जगह अगर कहीं यूटिलाइज करना है तो दे कैन प्लान। क्रॉस चेक द सेम, कोई कुछ किसी कुछ बोलना है क्या, क्रॉस चेक द सेम अगेंस्ट द मिनिमम, अभी टेंशन मतलब अभी आपको ही सब कुछ सारा टाइम आप ही कराएगा। क्रॉस चेक द सेम अगेंस्ट द मिनिमम रिक्वायर्ड हाइट फॉर द प्रैक्टिकल एंड बाइलॉज पॉइंट ऑफ व्यू, ये देखो कि जो भी आपने बना रहे हो क्या ये बाइलॉज के अकॉर्डिंग सही है, जैसे आपने कंपाउंड वॉल बना रहे हो
तो कंपाउंड वॉल क्या बाईलॉस के अकॉर्डिंग आप सही बना रहे हो? प्रैक्टिकली उतना बनना चाहिए क्या? हैच ऑल द संक एरियाज, जो भी एरियाज हैं उनको हमें प्रॉपर देखना चाहिए। और क्या ध्यान चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? और हमें ध्यान देना चाहिए ऑलवेज ड्रॉ सेक्शन थ्रू ऑल स्टेयर केस। सेक्शन कैसा ड्रॉ, कहाँ से ड्रॉ करना चाहिए? देखो मैंने कल भी बताया था, थ्रू ऑल स्टेयर केस मतलब स्टेयर केस कवर हो इन ए बिल्डिंग्स मेंशनिंग थ्रेड राइजर फ्लोर टू फ्लोर हाइट क्लियर हेडवेंस बिलो बीम एक्सेट्रा। जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर शो करनी चाहिए और स्टेयर केस के पास से सेक्शन लाइन आपकी इमेजिनरी कट लाइन जानी चाहिए। ट्रेड एंड राइजर टू बी वर्क आउट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर टू फ्लोर हाइट। ठीक है, आपको फ्लोर टू फ्लोर हाइट के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड और राइजर काउंट करना पड़ेगा, इतना ट्रेड और इतना राइजर, उस हिसाब से आप दे पाओगे। फाइनल फ्लोर टू फ्लोर हाइट टू बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ राइजर हाइट। ठीक है, आप कैसे राइजर कैसे कैलकुलेट करते हो कि कितना राइजर देना है? तो मैं क्या बोलता हूँ, फाइनल फ्लोर टू फ्लोर हाइट, फाइनल फ्लोर टू फ्लोर हाइट। तो सपोज आपका फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना हो गया, आपका फ्लोर टू फ्लोर हाइट इस यहाँ पे कैलकुलेट करना सीख लो कैसे राइजर को कैलकुलेट करते हैं। आपका 10 फीट का एक फ्लोर होगा, तो 10 फीट मतलब कितने इंचेस हो गए? तो आप बोलोगे सर 120 इंचेस, क्योंकि एक फीट में 12 इंच, तो 120 इंचेस हो गया प्लस 6 इंच की स्लैब होगी। करेक्ट है, तो टोटल हाइट आपकी कितनी हो गई? 126 इंच। आप बोलोगे यस सर, डिवाइड बाई, अगर आप दे रहे हो 7 इंच का एक राइजर, ठीक है, जनरली 6 इंच से स्टार्ट करते हैं और 7.5 इंच तक देते हैं, बट जैसे कि 6 इंच दोगे बहुत ज़्यादा स्टेयर केस हो जाती है, इसलिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग में 7 जनरली देते हैं। तो 7 दोगे तो कितना स्टेयर केस बन रहा है आपका? 18 स्टेयर केस आ रहा है टोटल। अगर आपने बोला सर और भी कम स्टेयर केस निकालना चाहता हूँ, तो मैक्सिमम आप 7.5 का राइजर दे सकते हो, तो आपकी टोटल कितनी स्टेयर आ गई? 16.8 तो दोगे नहीं, तो डेफिनेटली 17 स्टेयर केस आपकी आ गई। और अगर यही चीज़ कॉमर्शियल बिल्डिंग होगी, देखो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ कि फाइनल फ्लोर टू फ्लोर हाइट कैसे दिखाते हैं। अरे भाई कितना लेट आते हो तुम लोग भाई। ठीक है, तो ये फाइनल फ्लोर टू फ्लोर हाइट हो गया। आपको कैलकुलेट करना है कि सर एक कॉमर्शियल बिल्डिंग होता तो कॉमर्शियल बिल्डिंग होता तो डिवाइड बाई 6। कॉमर्शियल में 6 से ज़्यादा राइजर नहीं देते हैं। ओ सॉरी सॉरी गलत, 126 लिखना था, 26 लिखना डिवाइड बाई 6। कितनी स्टेयर केस बन गई? 21। आप सोच रहे हो कि सर कॉमर्शियल में 6 इंचेस राइजर क्यों दे रहे हैं और रेजिडेंशियल में 7 आपने क्यों दे दिया? तो कॉमर्शियल में 6 देने का रीजन ये है कि क्योंकि कॉमर्शियल बिल्डिंग में 10 फ्लोर 15 फ्लोर की बिल्डिंग होगी, अगर वहाँ पर राइजर ज़्यादा दे दिए, अगर वहाँ पर राइजर ज़्यादा दे दिए तो क्या होगा, जब कभी भी क्या बोलते हैं ऊपर चढ़ना हुआ तो बड़ा ही टफ हो जाएगा। रेसिडेंशियल में क्या होता है, बहुत जाओगे G+1 जाओगे, बहुत जाओगे G+2 जाओगे, तो यहाँ पर स्टेयर केस थोड़ा सा ऊंचा भी रख दोगे तो दैट विल बी ओके। बट कॉमर्शियल में अगर ऊंचा रख दिए 7.5 का, 10 फ्लोर चढ़ना होगा, हालत ख़राब हो जाएगा। मैं जब अपने जॉब में लगा था तो मेरी बिल्डिंग 10 फ्लोर की थी, जिस ऑफिस में था 10 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 6 इंच का राइजर था और हम लोग जस्ट एक्सरसाइज के मोड से जाते थे, एक बार चढ़ते थे एक बार उतरते थे 10 फ्लोर, एकदम हालत ख़राब हो जाती थी। कभी ट्राई करके देखना, बड़ा मज़ा आएगा, और जिसने ट्राई किया होगा कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बताना। 10 फ्लोर में एकदम पसीने से पसीने हो जाते थे। डू नॉट गिव डायमेंशंस ऑफ एनी स्ट्रक्चरल मेंबर्स। सेक्शन के अंदर किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर का डायमेंशन नहीं देना चाहिए, ठीक है, वो क्या बोलते हैं प्लान में ही देने के लिए होता है, ठीक है, चाहे डेप्थ हो चाहे थिकनेस हो। लिंटेल एंड सिल हाइट शैल बी फिनिश्ड लेवल, आपको दिखा देना चाहिए कि ये लिंटेल हाइट है या फिर ये जो है सिल हाइट है, वो हमें दिखाना चाहिए। ऑल वर्टिकल लेवल मस्ट बी मेंशन, ठीक है, मतलब वर्टिकली जो जो अलग अलग लेवल आ रहा है, GL2 PL आ रहा है, PL2 फ्लोर आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको आपको दिखाना चाहिए। ऑल कॉलम नंबर्स रूम नेम मस्ट बी मेंशन, अगर आपको दिख रहा है कि ये कॉलम सामने से यही वाला है, ये वाला रूम है, दिखा दोगे तो रीनेम करने से क्या होता है, आइडिया लग जाता है, अच्छा ये वाला है। ए ब्लॉक पेन प्लान शो सॉरी एक ब्लॉक प्लान शोन शोइंग द सेक्शन लाइन मस्ट बी ऑन देयर सेक्शन सीट। तो एक सेक्शन सीट पे आपको प्रॉपर इसको लॉक करके दिखाना चाहिए कि एग्जैक्टली ये चीज़ें हैं। अगर इतनी चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे, बिलीव करो आपसे बेहतर सेक्शन कोई बना ही नहीं सकता है। तो कभी भी जब हम लोग के पास सेक्शन आता है चेक करने के लिए, तो हम लोग यही चेक लिस्ट अपने सामने रखते हैं और देख लेते हैं।
हर कंपनी का चेकलिस्ट होता है, बट वो चेकलिस्ट सामने नहीं रखेंगे। सामने रखने का मतलब ये होता है कि अच्छा आपको पता ही नहीं है, ठीक है, चेकलिस्ट सबके पास होता है, ठीक है। तो ये मान के चला जाता है कि आपको आना चाहिए, बट एक्चुअली में किसी को पूरा याद नहीं रहता है स्टार्टिंग में, तो चेकलिस्ट को सामने रखते हैं और उसके हिसाब से डाटा देते हैं। सबसे ज़्यादा प्लान में देखना पड़ता है जो आपने पहले देख लिया था, उसके बाद सेक्शन में, और सबसे कम अगर किसी चीज़ में देखना पड़ता है तो वो एलिवेशन है। एलिवेशन में ज़्यादा कुछ लफड़ा ही नहीं रहता है, बहुत सिंपल सा रहता है। ये देखो एलिवेशन का मतलब बस इतना सा, क्या देखना होता है एलिवेशन के चेकलिस्ट में, ऑल वर्टिकल रो लेवल्स आपको दिखाना चाहिए एलिवेशन के अंदर, रोड प्लॉट फ्लोर एक्सेट्रा मस्ट बी गिवन इन वर्किंग ड्राइंग एलिवेशंस। एलिवेशन में ये सब दिखाना चाहिए कि रोड ये है, प्लॉट ये है, फ्लोर ये है। ऑल सरफेस लेवल मस्ट बी गिवन, यहाँ यहाँ ये चीज़ बनी हुई है, ये हमें दिखाना चाहिए अपने एलिवेशन के अंदर। विंडो डोर नोमेनक्लेचर फॉर अ डोर विंडो शेड्यूलिंग मस्ट बी फॉलो इन द एलिवेशंस, ठीक है। आपको दिखा देना चाहिए कि एक वो बॉक्स आपने भी बनाया होगा आज, तो बॉक्स में दिखा देना चाहिए डोर विंडो जो भी हैं उनके क्या क्या साइजेस हैं और कितने कितने हैं। द डोर विंडो शेड्यूलिंग मस्ट बी गिवन इन एलिवेशन सीट, ठीक है। एलिवेशन सीट में बगल में आपको दिखाना चाहिए कि इतना इतना साइज दिया हुआ है डोर विंडो का। टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स मस्ट बी गिवन, आपको ओवरऑल हाइट भी दिखानी चाहिए, इतना हाइट है हमारे बिल्डिंग का। द ब्लॉक प्लान ऑफ द बिल्डिंग्स मस्ट बी गिवेन इन दिस ऑन द सीट एंड ऑल सेक्शन एंड एलिवेशन एलिवेशन मस्ट बी मार्क, आपको दिखा देना चाहिए कि सेक्शन है और ये एलिवेशन है, लिख के देना चाहिए आपको, बस इतना चीज। तो मतलब एलिवेशन तो थोड़ा आसान हो गया, मतलब एलिवेशन की चेकलिस्ट बहुत छोटी सी हो गई, सेक्शन की भी छोटी है, थोड़ी सी उससे बड़ी है, ठीक है। बस इतना ही आपको आज जानना है, इसको 2-3 बार रिकॉल करोगे तब जाके याद होगा। अब इसके बाद आपका प्लान रहेगा कि एग्जैक्टली आपके प्लान में आज क्या बनाना है, कल तो आपने बना लिया कि कैसे कैसे करना है, ठीक है, आज आपको क्या बनाना है ये देखिए। फिर उसके बाद जो आपके डाउट होंगे वो डाउट भी आज क्लियर करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने प्लान बनाए होंगे तो थोड़े बहुत डाउट आए होंगे। बहुत सिंपल सा प्लान दूंगा, ऐसे जैसे प्लान 1 है ऐसे करके 5 प्लान आपको बनाने होंगे, और जैसे ही 5 प्लान बना लोगे, पहले दिन छोटा देता हूँ, दूसरे दिन थोड़ा बड़ा, उसके बाद और बड़ा, फिर ऐसे ऐसे चलता जाएगा। अभी एक सेक्शन एलिवेशन तो आपने बना लिया, एक सिंपल सा प्लान है जिसका एकदम यहाँ पर पोर्च वगैरह है, पूजा रूम है, ये लिविंग रूम है, सब कुछ डायमेंशन दिया हुआ है। स्केल मैच मैच करना, क्योंकि स्केल यहाँ से मैच करना चाहिए कि कितने फीट है, आपको खुद से ड्रॉ करना है, कोई कॉपी पेस्ट तो करना नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे करके आपको दिया हुआ है, सिंपल सा प्लान है, 23 फीट फ्रंट है, 45 फीट बैक है, बस इसको बना लेना है। ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये टेरिस है। अब देखो सेक्शन लाइन कैसे ड्रॉ हुई है, सेक्शन लाइन ड्रॉ हुई है ऐसे, क्यों, जिससे कि वॉश एरिया, किचन एरिया और बाथरूम, सबसे मैंने बाथरूम दिख जाए, इसलिए आपका सेक्शन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया गया है, ठीक है। और ऐसे ड्रॉ करने के बाद ऐसे लास्ट तक आया हुआ है, तो जब ऐसे ड्रॉ करेंगे सेक्शन को तो हमारा सेक्शन कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये आपको बनाना है, जब नहीं बना पाओगे तो आई एम विथ यू, डोंट वरी, चिंता मत करना, बस ट्राई करना, ठीक है। और उसके बाद ये फुटिंग वगैरह भी अगर आप ट्राई करोगे, कंपाउंड वॉल वगैरह, ये देखो साइट प्लान ऐसे देना पड़ता है कि एग्जैक्टली कहाँ का प्रोजेक्ट है, तो ये पुणे का ही प्रोजेक्ट है, तो ये आपको करना है। तो ये सारे आपको अभी लाइव प्रोजेक्ट मिलेंगे, ये मैक्सिमम 90% प्रोजेक्ट आपके लाइव रहेंगे, ठीक है, सिर्फ 10% ही आपके प्रैक्टिस वाले हो सकते हैं। चलो ये तो बनाना ही है, अब देखते हैं पहले आज वाला जो सबसे मेन काम था आपने कितना किया हुआ है, ठीक है। फाउंडेशन डिटेल टेंशन मत लो, बताएंगे, हालत खराब हो जाती है सर, मजा भी आता है बिल्कुल। अभी एक एक करके जो भी आपके हेडवे वगैरह है संग से बता देता हूँ एक एक करके, ठीक है। फाउंडेशन का टेंशन मत लो, अभी तो इतना डिटेल में जाओगे, इतना डिटेल में जाओगे आप थक जाओगे डिटेलिंग करते करते, सब अपने पास सेट रखे हुए हैं डिटेलिंग के। चलो पहले आपके प्लान देखने चल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपके जो डाउट रहेंगे एक एक करके सारे डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि मुझे देखना है कितना किसने बनाया हुआ है। तो चलिए शर्मा जी ने बनाया हुआ है, ओके, वेरी गुड, प्लान बना लिया उन्होंने, परफेक्टली बना लिया शर्मा जी ने, बहुत बढ़िया, और बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने एलिवेशन भी रिप्रेजेंट कर दिया, वेरी गुड, ठीक है। सेक्शन में शायद ये फंसे रह गए, ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई कर लिया है, काफ़ी हद तक बना लेंगे लगभग, शायद मुझे लगता है ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं है, ठीक
मेन तो यही होता है कि लाइन थ्रेड कर लेना। गुड, चलो शर्मा जी के बाद कौन बनाया, विजय राउत ने बनाया हुआ है, देखते हैं विजय राउत कहाँ पहुंचे। एक्चुअली में अब आपकी स्टार्ट होती है सिविल इंजीनियरिंग, इसमें ये बीए के फॉर्मेट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल ये दे दिया करो DWG विजय। वेरी गुड, इन्होंने भी प्लान तैयार कर लिया है, प्लान में बस रीनेम नहीं किया हुआ है, या हो सकता है लेयर ऑफ रीनेम का। वेरी गुड, इन्होंने प्रॉपर लिया हुआ है, रीनेम किया नहीं है बट ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, इन्होंने भी प्रॉपर एलिवेशन प्रॉपर सेक्शन एकदम वैसे ही ड्रॉ कर लिया है जैसे कि वर्कबुक में है। ग्रेट, वेरी गुड। देखो अभी हम लोग कई ढेर सारे बनाएंगे दूसरों का कॉपी कर करके, और जैसे ही सीख जाएंगे वैसे ही बनाना स्टार्ट कर देंगे खुद का। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गुड गुड, टेबल तैयार कर लिया है, नाइस। इन्होंने टेबल में मेहनत कर ली ज़्यादा, एक्चुअली टेबल बनाने का अगर मैटर देखोगे तो यहाँ पर सामने टेबल रखा हुआ है, यहाँ से बनाओगे तो टाइम बचेगा तुम्हारा। ये लिया, यहाँ पर बता दो कितने रो कितने कॉलम चाहिए, ओके करो, जैसे यहाँ पर ड्रॉ कर दो तो यहाँ पर टाइम बचाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी बना सकते हो बट कोई बात नहीं, आपने ऐसा बनाया तो ये भी ओके है। चलो सिद्धांत के बाद बनाया है किसने, कुछ लोग का भी आया है, वर्मा जी का, वर्मा जी ने कंफ्यूज कर दिया, कौन सा बनाया, क्या बात है, इन्होंने उसी सीट में एडजस्ट कर दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और सेक्शन भी बना लिया, वेरी गुड वर्मा। देखो अभी आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि हाँ यार चलो नहीं कुछ तो अभी किसी भी प्लान का सेक्शन एलिवेशन आएगा ये तो अपन दे ही देंगे कैसे भी करके, कैसे भी नहीं बल्कि बल्कि अच्छे से करके दे देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, थोड़ा और बाहर निकला हुआ है देख लेना, बाकी नीचे का सब कुछ परफेक्ट है, ऊपर का सब कुछ परफेक्ट है, ये थोड़ा सा 2 फीट एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ है और ये यहाँ से गया होगा जहाँ तक है, ठीक है, बाकी सब परफेक्ट है। ये देखो ये एक्चुअली में ये जो प्रोजेक्शन देख रहे हो ना, ये प्रोजेक्शन जो है इसका है, ये जो आया हुआ है ये प्रोजेक्शन है, तो तुम्हारा जो आएगा ये चीज़ ये यहाँ तक आएगा, बाकी सब परफेक्ट है, इसी का प्रोजेक्शन निकला हुआ है ये जो बाहर निकला हुआ है। चलो कोई बात नहीं प्रवीण, अच्छा किया, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट किया हुआ नितिन ने किया हुआ है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, इसने तो शॉर्टकट में काम चला दिया, सही है, अच्छा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड नितिन। परमिंदर जी ने किया हुआ है, वेरी नाइस, गुड प्लान, वेरी गुड, सिंपल एंड श्योर, बहुत बढ़िया परमिंदर जी। अब कौन किया है, राजू जी ने किया हुआ है। देखो आपको दूसरों के प्लान और एलिवेशन से भी सीखने चाहिए कि इसने क्या अलग किया हुआ है, कुछ ना कुछ सबने अलग किया होगा। देखो एकदम ये भाई तो एकदम क्रिएटिव इंसान है, ये क्या बात है, ये देखो क्या एलिवेशन बनाया है ये ग्रेड का, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसने थोड़े से और भी खुद को और क्रिएटिव बनाया और अच्छा बना दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो देखिए ये क्रिएटिविटी है, मुझे पता था कुछ लोग बहुत क्रिएटिव बनाएंगे तो आपको सीखना चाहिए कि अच्छा इन्होंने ऐसा बना दिया क्रिएटिव, कुछ किया नहीं सिर्फ लाइनों का गेम है, और इनका इंटरेस्ट दिखता है कि इस काम में इनका काफ़ी इंटरेस्ट है और बहुत शानदार बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया राजू, थैंक यू सुपर। सर। अमित कुमार ने बनाया हुआ है, वेरी गुड अमित, ठीक है, इन्होंने एलिवेशन तो फुल ट्राई कर लिया है, सेक्शन में भी अपना हाथ शायद आजमा रहे हैं या फिर नहीं बना पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं फिर ट्राई करोगे बन ही जाएगा ये पक्का है। हाँ 1 घंटा लग जाएगा और कभी, सर हाँ बोलो बोलो।
पता नहीं था, सर दो ही मुझे लगा बनाना, इसलिए मैंने दो ही बनाए थे। अच्छा, मतलब बना लोगे ना? यस सर, बना लेंगे। जसप्रीत कौर जी ने किया हुआ है, क्या बात है, वेरी गुड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप देखिए कितना अच्छा इन्होंने हैचिंग को, वही हैचिंग यूज किया है जो सबने यूज किया हुआ है, और वही देखिए इनका प्लान देखिए आप। इससे समझ आता है कि नाउ सी इज अ क्रिएटिव, ठीक है, बहुत बड़े इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने ये दिखाया हुआ है, ठीक है। काम सब करते हैं, बट इनके काम में आपको दिखेगा कि थोड़ा अलग लेवल आ गया है, बहुत बढ़िया, ग्रेट, ठीक है। इनका सेक्शन देख के आपको समझ आ रहा होगा एग्जैक्टली, हाँ ऐसे ही सेक्शन ड्रॉ करना है, परफेक्ट है। गाड़ी को भी कलर कर दिया, क्या बात है, वेरी गुड। अभी तक गाड़ी को किसी ने क्लियर कलर नहीं किया था, इन्होंने किया, चलो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये होती है क्रिएटिविटी, दैट्स नाइस। अच्छा, ये दोनों साथ में ही मेल करते हैं, देखते हैं कमल रूप में क्या हुआ है, क्या बात है, वेरी गुड, एकदम फुल कलर वगैरह करके बहुत अच्छा किया है, वेरी नाइस, ग्रेट। वैसे यहाँ पर केवल इतना दिख रहा है, बट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जैक्टली अगर देखोगे एलिवेशन तो इतना दिख रहा है ऊपर का, नीचे वाला जो है ना वो ये रेलिंग लगी हुई है यहाँ पर, तो अगर क्या बोलते हैं ध्यान से देखो तो ये बना हुआ है, बाकी वैसे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट विल बी ऑल राइट, बहुत बढ़िया। चौधरी जी ने किया हुआ है, अभी हम एक चौधरी प्रोजेक्ट भी देने जा रहे हैं, एक चौधरी प्रोजेक्ट है हमारा, वो भी करोगे आप लोग, जो कि शायद सबसे लास्ट प्रोजेक्ट वही रहेगा प्रैक्टिस के लिए, बहुत बढ़िया। ब्रजराज भारती, ये मथुरा वाले हैं, ये क्या बात है। अच्छा, इसको पता था, इसको पता चला ये वाला करना है क्या, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है कि विंडो कैसे लगाएंगे सर, एग्जैक्टली जैसा तुमने लगाया है ऐसा ही लगाते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में, और इसका यही मेटेड होता है, इसमें एक्यूरेट थोड़ी नहीं आ सकता है कि एग्जैक्टली इतनी पे, तो आपने जो किया है एकदम परफेक्ट किया हुआ है। एक्चुअली में हमें दूसरा वाला करना था, चलो कोई ना, तुमने तुमको ये वाला पता था तो भी चलेगा, तुमने प्रयास तो किया है, ये भी करना है बट ये आगे करना है। चलो उसके बाद और किसी का बच के ऊपर, क्या गोविंद सर जी ने मेरा किया, ऊपर होगा। हाँ मैं एक बार पूरा ही चेक करते तभी आगे चलेंगे। गोविंद ने किया हुआ है, क्या बात है गोविंद, तुम भी बना लेगा, बढ़िया प्लेस, क्या बात है, वेरी नाइस, ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर मोहित जी ने किया हुआ है, लाला जी, मोहित तुम कहाँ से हो, बहुत बढ़िया, बिहार, बिहार मुजफ्फरपुर। बिहार मुजफ्फरपुर, अच्छा बिहार से हो ना, तब तो तुम्हें वहाँ सब लाला बोलते होंगे, यस सर। नो सर, यहाँ लाला, तो बहुत को लाला जी पसंद है, मतलब पता ही नहीं है, काहे से पता है। अच्छा पता ही नहीं, वैसे ओके सर आप सिर्फ मेरा ही कास्ट कैसे जाने कोई धोखा दिया है कोई धोखा सीधा, क्या क्या होता है, बताया क्या होता है, बताता हूँ थोड़ी सी लाला जी की हिस्ट्री बताता हूँ, हो सकता है ऐसा धोखा वाला भी हो सकता है लेकिन लाला जो होते हैं बहुत चालाक होते हैं, ठीक है, बहुत ही सातिर किस्म के इंसान होते हैं, पता है कि नहीं है चीज तुमको, तुम तो हो, तुमको पता ही होगा ठीक है, मतलब मेरे को हमारे पता है, पढ़ने में तेज होते हैं बस पढ़ने में तेज होते हैं और वो हिसाब उताब में बहुत तेज होते हैं, मतलब मैथमेटिक्स टर्म में बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत बढ़िया, कोई धोखा होगा सर। कैसा मतलब था? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, शानदार एकदम, सबने ही लगभग लगभग बहुत ही शानदार, अभी तक किसी का ऐसा नहीं है कि अरे यार क्या बना दिया, ऐसा वाला किसी का नहीं है, मुजाहिद का देखते हैं, मैं खुद ही बोलूंगा अगर मुझे खराब लगा तो मैं बताऊंगा खुद ही कि देखो यार इतना खराब बनाया है, बहुत बढ़िया मुजाहिद। अभी सोचो कि फर्स्ट प्रोजेक्ट अगर हमारा इस लेवल का बन रहा है तो आगे तो मतलब एकदम
हालत खराब होने वाला प्रोजेक्ट है, मतलब एकदम शानदार बनेगा। विनीत कुमार जी ने बनाया हुआ है। क्या बात है विनीत, तो एकदम कलर ब्लाइंडनेस बना दिए, ट्री वगैरह सब कुछ लगा दिए, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। किसी के में भी ये नहीं है कि करेक्शन करने की नीड है, लगभग लगभग सबका ही बिना करेक्शन के है। उसका क्या रीज़न, एक तो आपको सामने रिजल्ट तो दिख ही रहा था, ठीक है, जब रिजल्ट नहीं रहता तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, जैसे प्लान है एलिवेशन नहीं दिया हुआ है तब बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, ये देखो इसका रेलिंग कितना मस्त बना है, इसमें अलग सोचा है, इसमें बहुत अच्छा। देखो अलग सोचते हो ना तो थोड़ा सा आपका वर्क जो है वो दिखने लगता है। सिद्धांत जी ने किया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको टाइम भी दिया था कि खूब बढ़िया बनाओ, ऑलरेडी आप लोगों ने उस टाइम का सही यूटिलाइजेशन किया हुआ है, बहुत बढ़िया सिद्धांत। सुभाषिस, क्या बात है, ये और आगे निकल गया, हैशिंग वैशिंग प्रॉपर यूज करके बहुत बढ़िया बनाया। आप ऐसी क्रिएटिविटी कर सकते हो, ठीक है, मतलब एम जो है वो दिखना चाहिए, एम के बाद आप खुद से कुछ करते हो तो यू कैन डू दैट, जैसा कि इन्होंने किया हुआ है, या अच्छा लगता है, इससे आपका विजुलाइजेशन पावर पता चलता है कि आप कितना विजुलाइज कर पाते हो, काफ़ी अच्छा किया है इसने, बहुत बड़े सुभाषिस। तुम पीछे रह गए क्या, छोड़ो प्रोजेक्ट के सही, एक ही प्रोजेक्ट को दो दो बार किया क्या, विनीत ने भी किया हुआ है, विनीत दो बार भेज दिया क्या अपने प्रोजेक्ट को, और ब्रजराज का भी दो बार हो गया है, सर वो थोड़ा सा अच्छा गलती हो गया था एक में, तो हाँ रिवाइज हाँ हाँ करके भेजा ओके ओके, तो वो वाला सही था ना, जो फाइनल वही था, था मतलब कि ना, वो फाइनल हाँ वही, सबसे पहला, हाँ सबसे पहला फाइनल वाला, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हाँ हाँ जो आपने चेक किया वही हाँ सही है। हाँ चलेगा चलेगा, मतलब मतलब सबका हो गया, किसी का बच गया क्या, अनिल का बचा है क्या, अनिल का, हाँ अब इसके बाद आपके डाउट्स जो रहेंगे, ठीक है, अच्छा ये अनिल का पुराना वाला प्रोजेक्ट है, ओके ओके, आई डोंट थिंक किसी का बचा है, आलम का बचा हुआ है, वेरी गुड आलम, आलम इसका बहुत अच्छा सेक्शन बनाया, एलिवेशन बनाया हुआ है, अब इसका सेक्शन भी बना लो ऐसे ही, थोड़ा सा कलर्स ऐसे यूज करो जो आँख में चुभे ना, ठीक है, हैचिंग यूज करना अच्छा है बट इसका ना ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर दो, तो थोड़ा सा और अच्छा दिखने लगेगा, ऐसे ना थोड़ा आँख में चुभेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, बाकी बनाया तुमने शानदार है, प्लानिंग भी एकदम परफेक्ट किया हुआ है, ओके ओके ओके, हो गया सबका, सबका हो गया ना, हाँ हेलो, हेलो, हाँ जी सर, मेरा रह गया। हाँ अच्छा अजय करा गया क्या, पेंसिल स्केच किया हुआ है, ये सब प्रिंट ही कर दिया पूरा एकदम, ग्रेट, बहुत बढ़िया, अच्छा बन रहा है, परफेक्ट। अब जब ये बना लिया तो फिर मुझे लग रहा है आज वाला काम तो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि सच में आज वाला काम काफ़ी आसान है इसके कंपेयर में, सिर्फ आपको ये प्लान बनाना है, ठीक है, और ये प्लान बनाने के बाद इसके, ये क्या है, ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, टेरेस है, ठीक है, ऐसे जितना आज था वैसे ही सेम टू सेम ही प्रोजेक्ट है, इसका एलिवेशन है, सेक्शन जरूरी नहीं कि आप यहाँ से ड्रॉ करो, आप सेक्शन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, एलिवेशन जरूरी नहीं कि यही डिज़ाइन दो, आप अपना खुद का डिज़ाइन दे सकते हो, एवरीथिंग आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, ये है कि ये एक लाइव प्रोजेक्ट है, तो क्या होगा अभी हम लास्ट में हम लोग पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो लाइव प्रोजेक्ट किए रहोगे तो उसमें और अच्छा रहेगा कि अच्छा हमने ये लाइव प्रोजेक्ट कर रखे हैं तो बेस्ट रहेगा, तो आज से आपकी जर्नी एक और लेवल पर ऊपर उठ रही है, अब आज आप वर्कबुक्स को छोड़ के उसके आगे आ चुके हैं, वर्कबुक से आपका ब्रेकअप हो गया है, अब आप करेंगे क्या, इस तरीके के बढ़िया बढ़िया प्लान बनाएंगे और इसके एलिवेशन से, और अभी भी आप दूसरे प्लान बना के उनका एलिवेशन बनाएंगे,
आगे मैं एलिवेशन डिलीट करके दे दूंगा, मतलब अभी कुछ 2-3 दिन के बाद आपका ये नहीं रहेगा, तो आप खुद से इमेजिन करोगे एलिवेशन और मजा आएगा। और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ये और ये और ये सब नहीं रहेंगे, सब डिलीट हो जाएंगे, आपका एलिवेशन, आपका सेक्शन, आपका प्लान ऐसा रहेगा। तो इस एक हफ्ते में पूरा हमारा क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कॉलम लगाना है तो कॉलम में रेनफोर्समेंट कैसे देंगे, बीम में रेनफोर्समेंट कैसे देंगे, सेक्शन में कैसे देंगे। मतलब अभी मुश्किल से मुश्किल आप 5 से 10 दिन के अंदर इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि ऑटो कैट पर कहीं पर भी जाओगे आपकी एक जॉब फिक्स रहेगी, ठीक है, स्टैम्प पेपर पे लिख के स्टैम्प जॉब फिक्स रहेगी। अब आपका जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, किसी को कुछ प्रॉब्लम आई तो, कुछ लोगों ने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया था, ठीक है, तो उसमें एक तो राजू का बड़ा ही ज़्यादा अच्छा लगा, एक जसप्रीत कौर का लगा, इन लोगों का थोड़ा और लेवल का था, ठीक है, डेफिनेटली सबने ही अच्छा किया था। चलो अभी किसी को कुछ डाउट आया है कि करके आराम से पूछो कि सर एलिवेशन बनाते समय कुछ डाउट आया, ऑटोकैड पढ़ते समय कुछ डाउट आया, यू कैन आस्क, किसी को कुछ डाउट आया, विनीत कुछ प्रॉब्लम आई अभी तक में? हाँ मोहित बोलो। आपको धोखा कौन दिया वो बता दीजिए। धोखा नहीं दिया एक्चुअली, क्या बोलते हैं तुम लोग तो पता ही है सिविल में क्या बोलते हैं, सिविल के कॉलेज में कितनी गर्ल्स होती हैं, तो एक गर्ल थी, ठीक है, अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो भी रिकॉर्ड मेरा भी वीडियो देखती हो, तो क्या बोलते हैं एक ही थी, और क्या बोलते हैं हम 8-10 लोग थे, हम सब कंफ्यूज थे किसकी है वो, ठीक है, दैट वाज दैट, बस इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं था उसमें। सिविल में तुमको पता ही होता है गर्ल्स का रेशियो बहुत ही कम होता है, तो ऐसे बस एक कॉलेज का वो था मस्ती और कुछ नहीं है। और बताओ किसी को कुछ डाउट है? बस यही तुमको डाउट आया है, इसके अलावा पूरा डाउट ही खत्म हो गया है। यस सर, राजू बाकी तो समझ में आ रहा है। ओके समझ आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तब तो है। अमित आपको कुछ डाउट आया? किसी को कुछ डाउट आ रहा है? सर मेरे को एक डाउट आया था हाँ क्या बोलो ना वरना। सर, मैं जैसे प्लान में मैंने हैचिंग करी थी तो हाँ मैं प्लान मूव कर रहा था तो हैच वहीं पे रखा हुआ था, हैच ओके, मूव प्लान नहीं हो रहा था, तो उसको कैसे अपन करेंगे सॉर्ट आउट? क्या कर, फिर से बताना वरना। सर मैंने प्लान में हैचिंग करी ब्रिक ब्रिक वर्क में, हाँ है हाँ ना, फिर मैंने प्लान पूरा मूव किया हाँ बट जो ब्रिक का या हैचिंग थी वो वहीं पर ही फिक्स थी। वो फ्रीज हो गया था, वो लेयर फ्रीज था, तुमने ना गलती से उसको ओके फ्रीज कर दिया। वो फ्रीज पता है ना तुमको, लेयर में पड़ा होगा तो पड़ा हाँ है, यस सर, यस ठीक सर, है, यस वो सर पता फ्रीज है। था, तो फ्रीज जब वो जो चीज फ्रीज हो जाएगी ना वो वहीं रहेगी, अच्छा, ठीक है, वो फ्रीज हटाना प्रॉब्लम। पड़ेगा। हाँ बस ओके सर, ओके थैंक यू। ठीक है, मजा आ रहा है एक्चुअली, आप लोग को भी फील आ रहा होगा कि हाँ यार अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको एक दिन एक्स्ट्रा दिया, मैंने कहा और प्रैक्टिस हो जाएगी शायद, और आया भी रिजल्ट वही, और अच्छा रिजल्ट हो गया सबका, ठीक है, अभी अब टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है। सर टेरिस वाला बाउंड्री का बता दीजिए। ओके टेरिस वाला, टेरिस प्लान वाला बाउंड्री का बता दीजिए, उसमें क्या बताऊं, टेरिस प्लान पे तो यही था। एकदम परफेक्ट बनाया हुआ, टेरिस प्लान में कुछ नहीं करना था एक्चुअली, बस ये था, और इसका एलिवेशन, तो इसका एलिवेशन यही एकदम सेम टू सेम बनेगा जैसे इन्होंने बनाया, एकदम परफेक्ट बनाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसमें शायद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हुई रही होगी, वर्कबुक में देखना पड़ेगा आपको। अच्छा नहीं ऐसे ही है दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं था, परफेक्ट है, एलिवेशन में ड्राइंग हुआ होगा, ये देखो ऐसे, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली गेट तो है, सबको समझ आ रहा है, बट ये गेट विजिबल नहीं है क्योंकि मतलब विजिबल इतना ही है, 3 फीट का इसमें पैरापिट है, इसमें आप रेलिंग वगैरह भी डिजाइन कर सकते हो यहाँ पर अच्छे अच्छे लगा के, और यहाँ सेक्शन में इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि सेक्शन वहाँ तक गया ही नहीं ना, मतलब पहले ही लाइन कट गया, तो इसलिए पूरा दिख रहा है, सही बना हुआ है। आउटर वॉल वाला सर, आउटर वॉल वाला, ओके सर प्लान, इसमें एस्टिमेशन भी होता है क्या सर? ऑटो कैड, ओके ऑटो कैड में इसमें एस्टिमेशन भी होता है क्या?
एस्टिमेशन नहीं होता है एरिया, आउटर वॉल अलग मैं समझ नहीं पाया एक्चुअली में आपका आउटर वॉल का क्या डाउट है, एस्टिमेशन नहीं होता, बट अभी आपने एस्टिमेशन का नाम ले लिया तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने का मन कर गया मुझे। ठीक है विजय आप लगे तो माइक ऑन कर लो, मैं समझ नहीं पाया एक्चुअली, मतलब एकदम परफेक्ट बनाया हुआ है इन लोगों ने, तो कुछ इस पे समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या डाउट आ रहा है। फिर भी अगर किसी ने बोला कि मुझे एरिया जानना है, ठीक है अभी आपने बता एक बोल दिया तो आपको याद आया, कुछ नई नई चीज़ आपको बता देता हूँ। किसी ने पूछा कि ये बताइए कि पहली बात तो जब प्लान बनाओगे ना तो प्लान बनाते समय कई ढेर सारे प्लान के ऊपर डबल ओवरलैपिंग हो जाती है, मतलब ओवरलाइन हो जाती है, तो याद रखना जब कभी भी ओवरलाइन हो जाए तो एक कमांड होती है उसका नाम है OB, इसको बोलते हैं ओवरकिल कमांड। क्या बोलते हैं? ओवरकिल कमांड। इससे क्या होगा, किसी लाइन के ऊपर डबल लाइन अगर चलाए होगे, क्योंकि तुमको कल को एनालिसिस भी करना है इसी प्रोजेक्ट का, तो डबल लाइन जब चलाए होगे तो क्या होगा कि एक बीम के ऊपर डबल बीम हो जाएगी, दिक्कत करेगा ना, इसलिए हमेशा ओवरकिल कमांड लेके पूरे प्लान को सेलेक्ट करके इंटर कर देना। फिर ये पूछेगा क्या करना है ओवरकिल कमांड करके, तो आपको बता देना है कि लाइन टाइप, लाइन वेट, लाइन स्केल, ये सब मुझे अगर कहीं पर भी डबल हो गया हो डिलीट कर दो, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा डिलीट कर देगा। आप बोलोगे सर इसमें पता ही नहीं चलेगा, यस सपोज आपके पास एक कमांड है एक लाइन ऐसे गए, कभी कभी ऐसे जनरली आप देखोगे तो जब ड्रॉ करते समय गलती से एक लाइन ऐसे हो जाती है, इतना ना हुआ तो इतना जरूर हो जाता है ये ऐसे, अब पता थोड़ी चलता है पूरे प्लान में ऐसे छोटी छोटी गलतियां, करेक्ट है, लेकिन ये जब स्ट्रक्चर्स में लेके जाओगे तो वहां पर वार्निंग क्रिएट कर देगा और पता भी नहीं चलेगा वार्निंग आया कहाँ से। तो बेटर तरीका ये है कि OB ओवरकिल, अभी देखना जादू क्या होगा, ये लिया इंटर किया इंटर सबको सेलेक्ट किया ही है, ओके कर दो, ये देखो ओवरकिल चला गया क्या, अरे हाँ ओवर कमल चला गया, आसान है। ठीक है अब एक और चीज आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो कि आपको एक और जादू दिखाता हूँ, किसी का बड़ा बड़ा बजट है मान लो, ये प्रोजेक्ट ले लो, ठीक है ये प्रोजेक्ट किसका है पता नहीं बट ये प्रोजेक्ट ले लो। अब ये प्रोजेक्ट हमने लिया और इस प्रोजेक्ट को हम सेव कर देते हैं कहीं पर, डेस्कटॉप पे कर दिया, प्लान 1 नाम से कर दिया, ओके प्लान 1, आओ थोड़ा सा देख लेते हैं डेस्कटॉप पे, आपको पता रहना चाहिए डेस्कटॉप पे प्लान 1 इसका फाइल साइज देखो कितना है, फिलहाल ये बहुत छोटा है इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा, कितना KB का ही है ये है क्या बोलते हैं 497 KB का है, कितने KB का है 497 KB का है। अभी मैं थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहता हूँ जिससे कि आपको एकदम समझ में आए, ये है यार तो कई ढेर सारे प्रोजेक्ट हो गए इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, एक मिनट रुको थोड़ा सा ऑफ कर दूँ कई कुछ प्रोजेक्ट्स तब तो आपको मजा आएगा सीखने में, मतलब कि जब कोई फाइल होती है उसमें कई ढेर सारी अनवांटेड फाइल्स भी बन जाती हैं, तो वो अनवांटेड फाइल्स क्या करते हैं आपके सिस्टम को स्लो कर देते हैं, आपने देखा होगा बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर बहुत सी चीज़ें मतलब सिस्टम आपका स्लो होने लगता है क्योंकि फाइल बहुत बड़ी बड़ी रहती है, तो उस फाइल को छोटा कैसे करेंगे वो हम लोग देखने चल रहे हैं। अरे बाप रे सभी बंद हो गए, चलो अच्छा है सिर्फ प्लान 1 हमने उठाया और अभी देखो इसका प्लान का साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे पहले, ठीक है ये प्लान 1 है और जस्ट जानबूझ के मैंने क्या किया खूब ढेर सारे एक्स्ट्रा लेयर्स बना दिए ऐसे कर दिया, ठीक है 25 लेयर एक्स्ट्रा बना दिए, किसी काम का नहीं बस बना दिए, उसके बाद गए यहाँ पर गुस्से में और लोड टाइप पे जाके ऐसे कुछ भी बड़ा कर लो, मतलब ऐसे ऐसे ऐड कर दिया, रीलोड कर दिया, ओके कर दिया, ढेर सारे टाइप के लाइन टाइप भी यहाँ पर डेवलप कर लिया हमने और ढेर सारे लेयर्स भी डेवलप कर दिया, ये देखो है ना। अब इस फाइल को सेव करो, ठीक है ऐसे बहुत बार प्रोजेक्ट में होता है वो फाइल बहुत बड़ी बन जाती है, ठीक है हमने इसको सेव कर दिया, यस और अब इस फाइल को एक बार देख लो, देखना है तो हमने बोला यस 491 KB का है, कितने KB का बन रहा है ये फाइल 491 KB का, जस्ट देखते रहना, ठीक है। अब इस फाइल को मैं छोटा करने जा रहा हूँ, इस फाइल को मैं
छोटा करने जा रहा हूं। तो कैसे छोटा करेंगे? इसको छोटा करने के लिए एक कमांड आती है, इसका नाम है पर्ज कमांड। पर्ज कमांड इंटरव्यू में मैं आपसे पूछता भी हूँ, तो इसलिए याद रखना। ओवरकिल भी पूछता हूँ, पर्ज भी पूछता हूँ, और इंटरव्यू में हर जगह पूछा जाता है, मैं ही नहीं। पर्ज कमांड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या होगा, इसका काम होता है अनवांटेड फाइल को रिमूव कर देना। आपने देखा है, मैं 25 लेयर मैंने डिफाइन कर रखा था, बाई लाइन टाइप भी बहुत ढेर सारे डिफाइन कर रखे थे मैंने, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो केवल और केवल लाइन टाइप को डिलीट कर दूँ जो एक्स्ट्रा वाले हैं, अगर मैं चाहूँ तो केवल लेयर्स को डिलीट कर दूँ जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं, ऐसे करके बस पर्ज करूँगा वो लेयर डिलीट हो जाएंगे। बट मैंने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि जितनी चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने डिफाइन कर रखी हैं या फिर किसी ने डिफाइन कर रखी हैं वो हट जाए। उससे क्या होगा, उससे आपकी जो ये फाइल है ये छोटी हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे। पर्ज ऑल, अगर पर्ज किसी एक को करना है तो बता दिया कि इसे लेयर को सिलेक्ट करके पर्ज करोगे तो जो जो चीज़ें लेयर में एक्स्ट्रा बनी रहेंगी वो डिलीट हो जाएंगी। बट मैंने कहा पर्ज ऑल, पूछता है कि स्किप दिस आइटम, मैंने कहा नहीं, पर्ज ऑल आइटम्स। ओके, देखो क्या हो गया है, सब के सब पर्ज हो चुके हैं, और इसके बाद कर दो क्लोज, ठीक है। अब देखते हैं इस फाइल का साइज क्या हुआ, अब ध्यान से देखना इस पे आना, वो कहाँ गए वो लेयर्स, वो लेयर ही गायब हो गए। लेयर 25 लेयर मैंने एक्स्ट्रा बनाए थे, कहाँ चले गए, सब गायब हो गए। मैंने लाइन टाइप बनाए थे ढेर सारे, कहाँ गायब हो गए, केवल 4 ही बचे हुए हैं, सब गायब हो गए। क्यों? जो भी अनवांटेड फाइल्स रहेंगी वो फाइल्स ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है, ठीक है। ओके, पर्ज फाइल में जो भी फाइल अनवांटेड रहती हैं वो क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं। चलो देखते हैं इनकी फाइल का साइज कुछ कम हुआ क्या। फिलहाल छोटी साइज है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट बड़ी फाइलों में बहुत बड़ा डिफरेंस करते हैं। ये देखो, ये 497 दिखा रहा था डिस्क पे, ये कितना हो गया, 492 हो गया, और ये कुछ खास डिफरेंस नहीं पड़ा क्योंकि लगभग लगभग उतना ही था, लेयर में के अंदर कुछ बनाया तो था नहीं हमने, ठीक है। तो कितना हो गया है, 498। जब कभी भी 1 MB 1.5 MB की फाइलें होती हैं तो वो कभी कभी 500 KB में आ जाती हैं, 800 KB में आ जाती हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें अनवांटेड रूप से बन जाती हैं प्रोजेक्ट को करते समय, क्लियर है। दूसरी चीज, आपको पर्ज भी समझ आ गया, ओवर के लिए भी समझ आ गया, एक और इंपॉर्टेंट कमांड बताता हूँ। मान लो कि मुझे पता करना है इसका एरिया क्या है, इस पूरे जगह का एरिया क्या है, ठीक है। पहले यूनिट कंफर्म कर लेना किस यूनिट में देखना चाह रहे हो, ठीक है। फिर इंच मतलब स्क्वायर फीट में दिखाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना इसका एरिया कैसे देखेंगे। तो इसका एरिया देखने के लिए AR एरिया, देख रहे हो एरिया कमांड, जस्ट इंटर करो। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, इनर देखना है आउटर देखना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा मैं तो आउटर देखूंगा, पूरा ओवरऑल देखूंगा, मतलब एक पॉइंट ये लिया, यहाँ गए, ध्यान से देखना अभी क्या होगा, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए। देखना भाई, जैसे ही मैं एक क्लिक करूंगा क्या होगा, क्लिक इंटर। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एरिया के पास, एरिया के पास लिखा हुआ है 905.125 स्क्वायर फीट, मतलब 905 स्क्वायर फीट ये टोटल एरिया है। पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है 129 फीट 2 इंचेस का पूरा पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब फ्रंट कितना गया, बैक कितना गया, ये कितना गया, वो कितना गया। इंचेस में देख रहे हो 13,300 समथिंग जो भी आ रहा है, इतना इंचेस आपका पूरा एरिया है। स्क्वायर फीट में भी आपने एरिया देख लिया, बोलोगे सर कहाँ पे आ रहा है, ये देखो ना स्टेटस पे आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए और छोटा सा प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, एकदम आपको समझ आएगा। 10 बाई 10 का ले लो, तो आपको पता ही रहेगा 10 बाई 10 10 फीट 12 फीट ले लो, अब मुझे इसका एरिया जानना है। आप सबको पता है कि 10 बाई 12 है तो कितना होगा, 120 स्क्वायर फीट। तो आओ देखते हैं, ठीक है, एरिया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जैसे मैं क्लिक करूंगा इंटर पे देखना क्या होगा। देखो यहां पे क्या लिख रहा है, 120 स्क्वायर फीट, और इंचेस में कितना है, 17,280 स्क्वायर इंचेस, और पेरीमीटर क्या दिखा रहा है, 44 फीट। अब लोग सर ये पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट कर, पेरीमीटर कैलकुलेट करता है लेंथ विड्थ, ठीक है। मतलब कि 10 फीट इधर गए फिर 12 फीट उधर गए, तो कितना हो गया, 10 12 22, और 22 दूना 44, तो मतलब लेंथ इंटू विड्थ कर देते हैं तो पेरीमीटर आ जाता है। तो किसी को डाउट तो नहीं होगा, ठीक है, एकदम अच्छे से आपको एरिया कैलकुलेट करना आ गया,
एक और चीज बढ़ाता हूँ इंटरेस्टिंग, ऑटोकैड में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को पता ही नहीं होती हैं। ठीक है, अभी मुझे एक सपोज लिस्ट निकालना है ओवरऑल सबके बारे में जानना है, मतलब कि इसमें कितने कितने हमने एलिमेंट्स यूज किए हुए हैं, कितना कितना इसका एरिया है। थोड़ा सिस्टम हैंग करेगा इसलिए मैं कुछ चीज़ों को डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जिसका भी है दिल पे मत लेना, बट डिलीट करना जरूरी है। अभी एक देखा आप लोगों ने, एक एक कमांड यहाँ पर आया था, एक मिनट, ये जब आपने इसको डिलीट किया तो यहाँ देख रहा हूँ ये क्या हो रहे हैं, ये सिंबल्स आए हुए हैं। कोई बताना चाहेगा किस चीज़ का सिंबल है ये, कोई जानता है ये किस चीज का सिंबल है, इतने ढेर सारे जो आ रहे हैं, ये दिख रहे हो परपेंडिकुलर का, ये कैसे आ गया, ये पैरेलल का, ये कैसे आ गया, किसी को आइडिया है? ठीक है, ऐसे कभी कभी आपको भी फेस करना पड़ सकता है इसलिए पूछ रहा हूँ, किसी को नहीं पता? नो, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। अब सुबह से बोल रहे हैं कि इनको कुछ डाउट है, बिल्कुल पूछो ना डाउट, मैं तो अभी इधर पूछो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, पूछो। ठीक है, अभी देखो ये है, ये जो होता है ये इन्फर कांस्टेंट का सिंबल का क्या बोलते हैं, ये दिखा रहा है इन्फर कांस्टेंट, मतलब गलती से जब ये प्लान बना रहे थे तो इनका इन्फर कांस्टेंट ऑन हो गया था, इसकी वजह से ये वार्निंग्स आपको दिखा रहे हैं। इसको मैं डिलीट करके दिखाता हूँ, फिर ये लिया और डिलीट कर दिया, हो गया। डिलीट इसलिए किया क्योंकि जो कमांड यूज करने जा रहा हूँ वो कमांड बहुत ही हैवी है। ठीक है, अगर ज़्यादा रहा, ये देखो इस टाइम पे भी इन्फर कॉन्स्टेंट का ऑन था, तो आप बोलोगे सर ये क्या होता है इन्फर कॉन्स्टेंट, ऑर्थो देखते हो, ऑर्थो के जस्ट बगल में देखो यहाँ पर होता है इन्फर कॉन्स्टेंट। अगर ये ऑन रहा, ये देखो अगर ऑन रहा तो जैसे आप सपोज एक रेक्टेंगल बनाओगे देखो अभी क्या होगा, वही सिंपल आ गए ना, परपेंडिकुलर, पैरेलल, ये पैरेलल है दोनों, ये पैरेलल है इसके, ये परपेंडिकुलर है, ये क्यों आया, क्योंकि ये ऑन था। अब मैं अगर इसको ऑफ कर दूं तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब मैं आपसे इंटरव्यू में पूछूं कि इन्फर कॉन्स्टेंट क्या क्या काम है, तो ये बताता है कि विच लाइन इज पैरेलल एंड विच लाइन इज परपेंडिकुलर, हमको क्या बोलते हैं इनका नॉलेज देता है कि कौन सी लाइन किस पर पैरेलल आ रही है, कौन सा किस पे आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इन्फर कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर आप सो गलती से ऑन करके रखोगे तो जैसे अभी मैं सेलेक्ट किया था इनके प्रोजेक्ट को तो जैसे आया था वैसा ही आएगा। चलो, अब तक की सबसे हैवी कमांड आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसके अंदर, ऑटोकैड के अंदर, जिसमें ये पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि इस प्रोजेक्ट को किसने बनाया था। ठीक है, जैसे कि अगर कल को आपने कॉपी पेस्ट कर लिया किसी से प्रोजेक्ट, तो मुझे पता चल सकता है कि ये प्रोजेक्ट आपने कॉपी पेस्ट किया है कि बनाया है। ठीक है, तो कैसे, एक कमांड होती है, ठीक है, जिसका नाम है डाटा एक्सट्रैक्शन। ठीक है, आज पता नहीं कैसे मुझे लग रहा है नई नई चीजें आपको बताता हूँ। डाटा एक्सट्रैक्शन, जस्ट क्लिक करो, ये पूरा एक्सेल सीट क्रिएट कर देगा किसने क्या बनाया, इतना इन्फॉर्मेशन देता है जितने की हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जस्ट इस पर क्लिक करना होता है, क्रिएट डाटा एक्सट्रैक्शंस, नेक्स्ट। यहाँ पर बताना पड़ता है कि इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हो, क्योंकि बहुत बड़ा फाइल होगा। ठीक है, तो हमने बता दिया कि यूनिक्स सिविल, और जस्ट इसको सेव कर दिया डॉक्यूमेंट के अंदर। ये देखो यूनिक्स सिविल करेंट ड्राइंग यहाँ पर जा रहा है, डेस्कटॉप पे ये सेव था नहीं, ये प्लान वन में मेरे फोल्डर में, क्योंकि इसको मैंने अभी यूटिलाइज किया है। ठीक है, अब इसको लेने के बाद जस्ट नेक्स्ट करना होता है। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछता है कि आपको किस किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको क्या बेट क्वीन जो आपने लगाया हुआ है, देखो इन्होंने क्वीन लगाया हुआ है, बाथटब लगाया हुआ है, बाथटब की भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, इन्होंने इलिप्स लगाया हुआ है, हैच लगाया हुआ है, आर्क बनाया हुआ है इसके अंदर, मल्टी लाइन यूज किया है, पॉली लाइन यूज किया है, सोफा यूज किया हुआ है, रोटेटेड डायमेंशन यूज किए हैं, व्हीकल एक गाड़ी यूज किया हुआ है यहाँ पर, एक वॉल कैबिनेट यूज किया होगा यहाँ कहीं पर, तो जितनी चीजें आप यूज किए रहोगे सब के सब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। ओके, अभी तो मजा स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट करो। ये बोलता है कि इन चार सारी चीजों के बारे में क्या क्या जानना चाहते हो, क्या सबके एंगल्स जानना चाहते हो, मैंने बोला नहीं एंगल क्या करेंगे, ऑफ कर दो। एरिया जानना चाहते हो, यस। किससे जुड़ा हुआ है, यस। ऑथर, मैंने कहा ऑथर तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। सेंटर से कितना डिस्टेंस से जानना चाहते हो, मैंने कहा नहीं इसका जरूरत नहीं है। जो जो नहीं जानना चाहते हो वो चीज़ों को ऑफ कर दो, नहीं तो बहुत बड़ी फाइल बन जाएगी, और जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है बस उसको ऑन रखो। ठीक है, आप किसने फाइल बनाया, किसने फाइल को सेव किया, किसने फाइल को मॉडिफाई किया, ठीक है, कोई लिंक वगैरह आपने इसके अंदर दे रखा है, कीवर्ड्स दे रखे हैं, लेंथ जानना है, लाइन टाइप जानना है, लाइन स्केल जानना है,
इसका वेक्टर डिस्टेंस जानना है, एक्स वाई जेड से डिस्टेंस जानना है, मटेरियल कौन कौन सा यूज करना है ये जानना है, जितनी चीजें इस फाइल की चाहिए आपको सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। मैं डिसलेक्ट करते करते थक जाऊंगा, ये नहीं थकेगा। तो सारा कुछ जो जो आपको चाहिए यहाँ पर भी ये फिल्टर कर सकते हो, यहाँ से भी फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि आपको टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पैटर्न की चाहिए, मिसलिनियस की चाहिए, ज्योमेट्री की चाहिए, जनरल चाहिए, डायनेमिक ब्लॉक, ड्राइंग्स, विजुलाइजेशन, डन, नेक्स्ट कर दो। इस तरीके से पूरा बता देगा कौन सा रेड कलर है, कौन सा ग्रीन कलर है, कौन सा क्या कलर यूज किए हो, कौन सी चीज किस लेयर पे बनाए हो, सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने देने वाला है। आप चाहते हो कि इसका पूरा इन्फॉर्मेशन मिले तो जस्ट इस पर नेक्स्ट क्लिक करो। अभी कहता है कि आपको क्या टेक्स्ट फाइल भी चाहिए क्या, मतलब कि कल को आपको देखना है कि भाई इसको एक्सेल सीट में देख पाऊँ मैं सारे डाटा को, तो भी हो जाएगा, यहाँ पर मैंने कर दिया है। क्या आपको एक टेबल यहाँ पर भी चाहिए क्या कैट की, मैंने बोला हाँ यार टेबल भी दे दोगे तो अच्छा रहेगा। फिर मैंने कहा नेक्स्ट कर देते हैं। टेबल का कुछ नाम देना है, मैंने कहा आपका मन है, आपको नाम देना है दे दो, ठीक है, मैं तो अपना ही प्रचार करता हूँ, ठीक है, करना भी चाहिए। टेबल का ऐसे नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दो, नेक्स्ट कर दिया, फिनिश कर दिया। अब इंतजार करो क्योंकि बहुत हैवी कमांड है ये, ठीक है। बोलता है पूरा टेबल कैसा चाहिए आपको, मैंने बोला बस जल्दी से बड़ा सा टेबल पूरा दे दो हमको निकाल के। कुछ डाटा ऐसे रहेंगे जो अभी आपके काम के ही नहीं है, फिर भी अभी कैसे कि कितने को डिसलेक्ट करोगे, ये देखो पूरा डाटा आ चुका है, ठीक है। बोल रहा है कहाँ सेव करना चाहते हैं, मैंने बोला यहीं रख दो। इतना बड़ा डाटा मिल जाएगा कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, ये खत्म नहीं होगा। देखो हैंग कर रहा पूरा सिस्टम मेरा, आप बताना कमाल की चीज है कि नहीं, कमेंट करके बताना। देखो सारे जितने लाइन है सारे लाइंस आ जाएंगे, जो भी क्लोज होंगी लाइन उनका एरिया ऑटोमेटिक दे देगा। देखो ये पॉली लाइन था तो क्लोज था इसका एरिया, इसका एरिया, सर्किल क्लोज था, आर क्लोज था, पॉली लाइन क्लोज था, जो जो क्लोज रहेगा सबका एरिया आपको दे देगा ये, ठीक है। सभी के सब बाई लेयर्स पे आपने बनाए थे वो बाई लेयर आपको दे देगा, ठीक है। किचन लेआउट या फिर आर जो भी चीज़ आपने बनाई थी, मैं हल्का हल्का करके कर पाऊंगा। आप जितना छोटा प्लान लेकर प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। इस फाइल को अभी अभी हम लोगों ने कितने बजे एक्सेस किया था, 9:48 पर एक्सेस किया था इस फाइल को, ठीक है। पूरा फाइल कब क्रिएट किया गया ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आप दे देगा, ठीक है। कहाँ पर ये फाइल सेव है अगर आपको जानना है तो, फाइल सेव है यहाँ पर मेरे नाम से, मैंने अभी सेव किया है। कहाँ पर, डेस्कटॉप पे सेव किया है फाइल को, ठीक है, मॉडिफाई किया है पर डेस्कटॉप पे। इससे पहले थोड़े बहुत चेंजिंग हमने किए थे, तो जो जो चेंजिंग किए थे, कब कब चेंजिंग किए थे, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। फाइल का साइज क्या है एग्जैक्टली, वो साइज आपको दे देगा। किस लाइन का कितना लेंथ है, ठीक है, कौन सी लाइन जीरो लेयर पे है, कौन सी लाइन फर्नीचर लेयर्स पे है, ये दे देगा। किस लाइन का कितना लेंथ है, लाइन टाइप कौन कौन सी है, स्केल फैक्टर, मतलब स्केल फैक्टर 1 रहता है, मतलब 5 फीट को 5 फीट ही दिखाएगा। अगर स्केल फैक्टर 5 है तो स्केल फीट 5 फीट को 25 फीट दिखाएगा, ये आपने डायमेंशन में पढ़ा होगा। इसके बाद लाइन टाइप, रूम स्टाइलर, सब कुछ, जो रेडियस जिसका था, सर्किल का रेडियस, जिसका भी रेडियस रहेगा पूरा रेडियस दे देगा। जिस चीज़ का एंगल निकल रहा होगा एंगल दे देगा। जिस लाइन की कोई थिकनेस आपने दी होगी वो थिकनेस दे देगा, ठीक है। उसके बाद जिसका एंगल आ रहा होगा वो एंगल दे देगा। ये पूरा एक्स एक्स वाई जेड से जो इसकी डिस्टेंस है वो सारे डिस्टेंस दे देंगे। यूनिट क्या है वो यूनिट दे देगा आपको। तो मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन की आप सोच भी नहीं सकते हो, फुल इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर पैक दे देगा। ये देख लो कितना बड़ा है, अभी अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो थक जाऊंगा और आप भी थक जाएंगे आई थिंक। तो इसलिए आपको घर पे इसको ट्राई करना चाहिए पूरा इसको। और मज़ेदार बात यह है कि जितना भी आपने चीज़ इसमें किया होगा सब कुछ यहाँ पर सेव है, ठीक है। अब थोड़ा इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद इसका ना एक्सेल फाइल भी आपको दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट में जाओगे तो उसका नाम मैंने दिया था यूनिक सिविल, ये तो फाइल हो गया, क्या कैट फाइल आई होगी यार, प्लान वन करके आई क्या, शायद यही होगी। हाँ ये देखो पूरी की पूरी एक्सेल फाइल में आपको रिपोर्ट आ जाएगी, एग्जैक्टली क्या क्या है, कैसे कैसे है, कैसे कैसे बना हुआ है, फुल इन्फॉर्मेशन। स्टेयर केस बनाया आपने, फर्नीचर यूज किया है, वॉल यूज किया है, डोर यूज किया है, विंडो यूज किया हुआ है, एनोटेट कौन कौन से यूज किए हैं वो सब कुछ, फर्नीचर्स कौन कौन से यूज किए हैं, फर्नीचर्स के नाम क्या क्या थे, डोर कितने यूज किए हैं, कितने कितने विंडोज यूज किए हुए हैं,
कितना इंफॉर्मेशन, कितनी वॉल्स हैं टोटल आपकी, सब का सब यहाँ पर हिस्ट्री आपकी निकल के आ जाती है। आपको इसके बारे में पता था कि नहीं, कमेंट करके बताओ। पता था कि नहीं इसके बारे में, बस इतना ही दूंगा, इतना ज्यादा कर दूंगा तो ओवर चला जाएगा नॉलेज। ओके चलो, होप आपको अच्छा लगा होगा। डाटा एक्सट्रैक्शन कमांड, पर्च कमांड और उसके साथ ही साथ ओवर किल कमांड, तीनों कमांड याद रखना, तीनों ही बेहतरीन कमांड है। हाँ जी बोलो मोहित। सर कहना था कि हम लोग लेआउट पे भी काम करेंगे, जैसे वर्क स्पेस पे होता है ना मॉडल लेआउट 1, लेआउट 2 ऑटोकैड में, तो लेआउट पर कैसे काम किया जाता है लेआउट पे थोड़ा काम नहीं करोगे मुश्किल तो लगता। फिर लेआउट पर काम तो करना पड़ेगा ना। फुटिंग की ड्राइंग अलग होगी, बीम की ड्राइंग अलग होगी, स्लैब की ड्राइंग अलग होगी, तो अलग अलग लेआउट पर सबको डालना पड़ेगा ना। ठीक है, जब अलग अलग लेआउट पर डालोगे तभी प्रिंट कर पाओगे ना। तो लेआउट पर सर तो कर, ऑटोकैड में जो वर्क स्पेस रहता है उसका बात कर रहे हैं। लेआउट में जितना है तुम्हें यूज में है उतना करो, जो दिक्कत है मेरे से पूछ लो, मेरे को तो सभी पता है, तो आप जो पूछोगे हम बता देंगे, है ना। आप जो भी पूछोगे ऑटो कैड के, ऑटो कैड ही नहीं, आप स्टेट में, ईटेम में जो पूछोगे, होप सो मैक्सिमम चीजें तो मुझे आती ही रहेंगी, तो मैं बता दूंगा आपको जिस चीज की नीड होगी। जितना आपको रिक्वायर्ड है वो सब मैंने ऐड कर रखा है, उसका टेंशन मत लेना। आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है मेरे तरफ से ऑलवेज वेलकम है। इट्स नॉट अबाउट ऑटो कैड, इट बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, स्टेट ईटेम जहां पर भी आप बोलोगे आई विल गो फॉर दैट। ठीक है, सर अभी आपका ऑटो गेट खुला हुआ है अभी? हाँ ऑटो कैड खुला हुआ है ना, एक एक मिनट ऑन कीजिए ना। अभी ये जो प्लान जिस पर लिखा हुआ है ड्राइंग पर, वहां पर लेकर जाइए, वहां पर कर्सर को रखिए, नीचे लेआउट लिखते हैं ना, लेआउट 1 लेआउट 2, पता है उस ना, पर कैसे ये काम करते हैं। बहुत आसान है, उस पर काम कहाँ करना होता है, यही फाइलों को लेआउट पे लेके चले जाते हैं। जैसे मान लो कि ये फाइल है ना, या जैसे जब जाओगे ये देखो, ये लेआउट यहाँ होगा, ये आ गया पूरा का पूरा लेआउट। लेआउट को भी एक्टिवेट कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है इसके अंदर, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, ये देखो। और यही नहीं, लेआउट को आप क्या बोलते हैं, सारा कुछ इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो, सारा कुछ ड्रॉ कर सकते हो। एक्चुअली होता है लेआउट प्रिंटिंग के लिए होता है, तो जितने लेआउट्स क्रिएट कर लोगे उतना अच्छा रहता है। तो जैसे कि मान लो एक एक प्लान हमको सिर्फ इसको करना है, ठीक है, तो ये लेआउट पर सेट कर लिया, फिर इसके बाद कंट्रोल पी पे करोगे तो ये मान लो कि बीम की ड्रॉइंग यहाँ आ गई, ये आ गया, आप सीखने वाले हो ऑलरेडी, मैं समझ गया, ये लेआउट 2 यहाँ पर आएगा, फिर लेआउट 2 में भी आप एक ड्रॉइंग लेके आओगे, फिर लेआउट 3 आएगा, फिर सारे लेआउट्स को मर्ज करके एक प्रिंट करेंगे, वो सीखोगे आप, क्योंकि उसके बिना आप स्ट्रक्चर ड्रॉइंग दे नहीं पाओगे ना। ये ठीक सर है, यही पूछ रहे थे हाँ वो तो सीखने वाले हो। सर। ठीक है, जो आपको जरूरत होगी हमें ओके पता सर, है, ठीक है, टेंशन मत लो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, और किसी कोई डाउट है? हेलो ठीक है, सर। हाँ जी बोलो सुभाषिश। हाँ सर, पूछ रहा था कि ये जो प्लान में जो डायमेंशंस रहते हैं मतलब रूम्स के, तो वो इनर टू इनर रहते हैं या आउटर टू आउटर और सेंटर टू सेंटर? सेंटर टू सेंटर तो नहीं रहते हैं, ठीक है, इनर टू कुछ इनर। लोग इनर टू इनर देते हैं जनरली, ठीक है, कुछ लोग आउटर टू आउटर भी देते हैं, ठीक तो है, वो तो वो मतलब लिख के पता देते कैसे? हैं, वो लिख के देते हैं, ठीक है। अगर वो आउटर टू आउटर दिए हैं तो लिख के देंगे, ठीक है, अगर आउटर टू आउटर नहीं दिए हैं तो फिर वो नहीं लिखेंगे, समझ जाओ इनर टू इनर है, तो आपके जो प्लान में है वो इनर टू इनर है, तो इनर टू इनर, एक्सक्लूडिंग वॉल्स। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ओके मतलब कि अगर नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि इनर टू इनर है, अगर लिखा हुआ है दैट मीन आउटर टू आउटर, वो खुद ही लिखने का मतलब ही होता है आउटर, ठीक है। और ऑफसेट हमेशा अंदर के साइड, जो भी प्लान बनेंगे उनके जितने ऑफसेट होंगे सब के सब अंदर के साइड होंगे, रूल यही है। अगर किसी ने आउटर टू लिखा, मतलब किसी ने किसी ऑल का आउटर दिया हुआ है, उसे तो देना नहीं चाहिए, दिया हुआ है तो वो मेंशन करेंगे कि हमने इस वजह से ऐसे दिया हुआ है, रिकॉर्ड में देंगे आपको। इंस्ट्रक्शंस होता है ना, इंस्ट्रक्शंस, अभी आपको इंस्ट्रक्शंस आगे दिखाऊंगा, तो इंस्ट्रक्शंस में लिखा जाता है कि ऑल ड्राइंग्स आर इन MM, ऑल डायमेंशंस आर इन लाइक आउटर टू आउटर और इनर टू इनर, ऑल डाउन डायमेंशंस आर सेंटर टू सेंटर। इंस्ट्रक्शंस में सब कुछ लिखना पड़ता है, तब दोगे आप क्लाइंट को, ठीक है, दिखाऊंगा क्या क्या इंस्ट्रक्शंस में रहता है। सर, वो जो आप बोले ना ऑफसेट अंदर की तरफ देते हैं, करेक्ट, तो वो तो मतलब साइज के अंदर आ जाएगा ना, एग्जैक्टली, तो जो 6 फीट का होगा तो वो वॉल भी 6 फीट में आएगा ना। हाँ डेफिनेटली आएगा, अच्छा, ठीक है, सबके सब इनर टू इनर, मतलब सबको अंदर ही लेके आना होता है, क्योंकि देखो दूसरे के प्रॉपर्टी में थोड़ी आप बाहर जा सकते हो, सब कुछ तो अंदर के डायमेंशन पे ही आना पड़ेगा ना, तो वहां पर उस तरीके से आएगा। फिलहाल ये कैसे होता है कि डिजाइनर टू डिजाइनर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे यूज कर रहे हैं, बट रूल जो रहता है वो मैं आपको बताता हूँ कि रूल होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स के टाइम में बहुत से, अभी तुमको ऐसे आगे पढ़ोगे ना, एक स्ट्रक्चर डिजाइनर की फाइल आप देखोगे, एक दूसरे की देखोगे, दोनों में डिफरेंस रहेगा।
और दोनों ही सही रहेंगे, ये भी आपको दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने 0.8% स्टील दिया हुआ है और मोहित ने 1.1 दिया हुआ है, तो ना मोहित गलत है ना आप गलत हैं, ठीक है। क्यों? 1 दिया है, मोहित ने ज्यादा सेफ्टी ले ली है, और सुभाषिस ने 0.8 दिया है, इन्होंने थोड़ी सी कम सेफ्टी ली है, बट रूल के अंदर तो दोनों है, ठीक है। ऐसे बहुत से डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे आगे, वो और मजा आएगा। अभी आपको कुछ नहीं करना है, प्लान वन को कंप्लीट करना है, ठीक है। उसको कंप्लीट करिए, उसका सेक्शन एलिवेशन क्लियर करिए। अब टेंशन मत लीजिए, आपकी पूरी प्लानिंग हमने कर रखी है, बस एक एक करके चलते हैं। हाँ, मैंने देखा तुम्हारा अभी रिज्यूम, देखेंगे अलग से क्या बोलते हैं, अगर तुम अभी देखना, चलो देख लेते हैं, एक मिनट, मेरे फॉर्मेट में किया है तब अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा जो फॉर्मेट है वो एटीएस फ्रेंडली फॉर्मेट है, ठीक है। एटीएस फ्रेंडली बोलते हैं मतलब कि जो एटीएस सॉफ्टवेयर में आपकी सीवी को शॉर्टलिस्ट कर देगा। हाँ वैसे बना है, गुड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया, परफेक्ट है। हाँ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है, और एकदम वैसे ही बनाया जैसे मैंने बनवाया हुआ है, सो एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है, सही बनाया होगा भी, ठीक है। एक एक करके चेक करें, अभी टेंशन मतलब इसने जस्ट बोल दिया इसलिए कर दिया। प्रवीण एक दिन केवल रिज्यूम ही चेक करने वाले हैं, वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, उसी सिर्फ आपको रिज्यूम शेयर करना है और मैं सिर्फ आपके रिज्यूम को ही चेक करूंगा, ठीक है, चलेगा। चलो हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, और इसके साथ ही साथ मैं आपको प्लान भेज रहा हूँ, बनाओ। हाँ सर, जी बोलो जय। तुम पहले लेट क्यों आए पहले ये बताओ। सर मैं असल में रात बहुत लेट सोया था, हाँ 2-3 बज गए थे। मैं अभी दिल्ली से आया हूँ, रात में ही ओके, मैंने फोन, जैसे हुआ तो मैंने फोन फोन किया। तो 3 बजे सोए, तो 3 बजे सोए तो आराम से 7 बजे उठ जाते हैं। नहीं सर, आग निकल गई मेरी। ओके कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन बोलो जल्दी से। मैं सर ये कह रहा था, मैंने एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिजाइन किया था, करेक्ट, एक काम आया था मेरे पास, हाँ हालांकि वो मैंने थंब रूल से करके दे दिया भाई के थ्रू अपने, लेकिन मेरी गड़बड़ आ रही है उसके अंदर। डिजाइन करने में गड़बड़ ये आ रही है, मेरे जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो 20 mm से कम आ रहा है, करेक्ट, ठीक है, लेकिन मेरी परसेंटेज ऑफ स्टील जो पहुंच रही है वो 3% से ज्यादा पहुंच रही है। गलत कॉलम साइज जो मैंने लिया है वो 230 बाई 450 mm लिया हुआ है। हाँ अब सर कैसे, हमारा जो उसमें जो हमारा सरिया आ रहा है वो 40 cm² आ रहा है ओके, मैक्सिमम, तो इसमें हमारी परसेंटेज ऑफ स्टील 3% से ज्यादा पहुंच रही है। करेक्ट। अब सर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसको, कॉलम को हम? परसेंटेज ऑफ स्टील को अगर तुम्हें कम करना है तो कॉलम के साइज को बढ़ा दो। तो सर साइज मैंने बढ़ाया 230 बाई 600 करके देखा मैंने, हाँ उसके बाद और ज्यादा मेरी और ज्यादा बढ़ रही है परसेंटेज ऐसा हो ही स्टील। नहीं सकता। पता नहीं सर क्या है, मॉडल में आप कोई गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा प्रैक्टिकली है। सोचो कि अगर प्रैक्टिकली सोचो कि आप क्या बोल रहे हो, आपकी स्टील बढ़ रहा है, ठीक है। सपोज मेरे मेरे शरीर के अंदर स्टील बहुत ज्यादा दिख रही है, मेरी हड्डियां बहुत ज्यादा दिख रही हैं। मैंने आपको क्या बोला कि आप मेरे कंक्रीट के साइज को बढ़ा दो, मतलब मेरे मांस के साइज को बढ़ा दो, अब जी हो ही नहीं सकता कि स्टील ज्यादा दिखे, हड्डियां कम हो जाएंगी। अगर मैं मोटा हो जाऊंगा तो हड्डी नहीं, कम दिखे, वो ऐसा हो रहा है, मैंने जब साइज इंक्रीज किया उसका, हाँ तो मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे मेरा जो 74 आ रहा था तो वो तो 30 हो गया, लेकिन जो मेरे ग्राउंड फ्लोर पे था वो स्टील बढ़ गया वहां का मेरा। ओके, हाँ किसी एक पोर्शन में है तो फिर हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। किसी एक पोर्शन में है अगर, वो तो हम कंसिडर नहीं करेंगे जो ऊपर का डाटा है, क्योंकि आपको पता है कि 1% इज सफिशियंट, ठीक है। तो अगर ऊपर का डाटा आपको एक्यूरेट आ रहा है तो वही आप रेनफोर्समेंट डिटेलिंग ऊपर नीचे दोनों पर कर सकते नहीं तो हैं। सर हाँ ऊपर वाले को ले सकते हैं ना नीचे, हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते लेकिन हैं। सर लेकिन बात ये है ना, नीचे तो हमारा ज्यादा आ रहा है ना, पकड़ के तो हम ज्यादा ही चलेंगे। देखो क्या हो रहा है कि नीचे क्यों ज्यादा आ रहा है वो तो समझना पड़ेगा ना आपके डिजाइन में, हाँ यही तो कह रहा हूँ मैं, क्योंकि तो उधर वहां मेरे डिफ्लेक्शन ज्यादा आने रहा, करेक्ट। वो कैसे कर सकते हैं सर वो कौन बताएं से आप। किस पे नॉडल में गड़बड़ है मेरे, लग रही है मुझे किस चीज पे लगता किया है। है डिजाइन, उसको ई टैब पर किया हुआ है, स्टैट पे किया हाँ हुआ है, मैंने ई टैप पे ही किया है वो। ठीक है। आप मुझे फाइल को भेजो, ठीक है, कल थोड़ा सा टाइम से पहले आ जाना, 2 मिनट 3 मिनट पहले, मैं आपको दिखा दूंगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा देखो, या तो उस जगह पे सीयर ज्यादा आ रहा होगा, नहीं सीधी नहीं गड़बड़। सीधी अच्छा तो शेयर वगैरह कैसे चेक करेंगे मेरे, मैं एक्चुअली मैं मेरा थोड़ा दिमाग से उधर गई सारी चीजें, मैंने काम बीच में तो छोड़ ई दिया था। टैब्स का जो लेक्चर है अपना, ई टैब का जो लेक्चर है उसमें ना स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स वॉच कर लो, तुम्हारे पास तो ऑल इन वन है,
नहीं नहीं ऑल इन वन नहीं है मेरे पास। नहीं तो ऑल इन वन ले लो, क्योंकि ऑल इन वन सबके पास ही हो गया है। ठीक है, ऑल इन वन को कर लो। तो ऑल इन वन से क्या होगा, तो उसमें पूरा ईटैब का लेक्चर दे रखा है। तो स्टार्टिंग के अच्छा केवल 3 से 4 लेक्चर देखो, उसी में मैंने डिफ्लेक्शन चेक करना, सीयर चेक करना सब पढ़ाया हुआ है। तो एक तरफ से उसको देख सकते हो, बहुत आसान है। उसके बिना तो फिर डिजाइन कैसे कर रहे हो तुम? फिर तो नहीं नहीं पकड़। उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं एक्चुअली भाई को भेज रहा हूँ चेक करने के लिए अपने, या ऑफिस में भेज रहा हूँ चेक करने के लिए। नहीं वो वहां अगर से ठीक होकर आ जाता है मॉडल मेरा। अभी नहीं, क्या है उधर ऑफिस में लड़के लोग बहुत बिजी बिजी चल रहे हैं सब लोग। वो ठीक है, प्रोजेक्ट तो दार जी। उसमें यही करो कि ईटैब्स के जो लेक्चर्स हैं, स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स हैं, उनको वॉच कर लो। उसमें पूरा डिफ्लेक्शन, क्योंकि जब डिफ्लेक्शन तुम नहीं देख पा रहे हो, सीयर नहीं देख पा रहे, तो तुम डिजाइन कैसे नहीं करोगे? डिफ्लेक्शन वगैरह तो सब देख पा रहा हूँ मैं, शेयर वगैरह। लेकिन उसमें मुझे कुछ गड़बड़ अंदर से लग रही है। कुछ हो सकता है ज्योमेट्री गड़बड़ कर रही हो, या कुछ और हाँ प्रॉब्लम हो रही हो, डेफिनेटली, इसीलिए किस या जो किस हम किस ईयर में उसमें बनाया लोड मॉडल? केसेस वगैरह बनाते हैं, मास लोड पैटर्न हो सकता है वहां कुछ गड़बड़ कर गया हो। एग्जैक्टली, तो हो सकता है मास सोर्स का डिफरेंस होगा। ठीक है, कि अगर सेस्मिक लगाया है, मास सोर्स को डिवाइड नहीं किया है, तो उस पर ज्यादा आ रहा होगा। हो सकता है कि उस पर डिफ्लेक्शन, उसका रीजन बताता है ना वो, उसका रीजन देखना पड़ेगा आपको प्रॉपर कि रीजन क्या है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ईटैब्स के 2-3 लेक्चर स्टार्टिंग के वॉच करो कि डिफ्लेक्शन, और ये तो बेसिक चीज है ना ब्रदर, इसके जी बिना जी तो बेसिक आपको, चीज है, सही ठीक बात है, है। तो इसके बिना तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नहीं मैंने तो सोचा था आप इसके अंदर तो लेंगे ना, कवर करेंगे कोर्स में बिल्कुल। जो अरे तो इसके बिना कैसे होगा, है ना इस जी। इसके बिना कैसे होगा? हाँ वो तो कह रहे आप तो कवर करेंगे, तो मैंने इसलिए इसे ऑनलाइन मन ले लिया, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा टाइम का सर बहुत ज्यादा चक्कर रहता है। नहीं, टाइम बहुत निकालो। मतलब समझ लीजिए ओवर बिजी चल रहा हूँ मैं भी, समझ लीजिए इस टाइम भी। ठीक है, मेरे से ज्यादा बिजी नहीं चल रहे होगे, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है। ठीक है, नहीं लेकिन सर फिर बाकी भी मेरे पास काम मेरे पास। आपने जो मुझे ट्रिक बताई थी यकीन माने, वो ट्रिक मैंने कामयाब हो गई मेरी। और मेरे पास इतने प्रोजेक्ट हैं, कम से कम 10-12 प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, और सब बड़े प्रोजेक्ट हैं। तो ले आओ, जब कोई भी सर अगर इतना प्रोजेक्ट है, मेरे पास 10 एम्प्लॉई है, सब खाली बैठे हैं, ले आओ, हम कर मैं सर देंगे। बिल्कुल दे सकता हूँ सर, मैं क्या परेशानी है उसमें। ठीक है, मैं हाँ आपसे कॉल पे बिल्कुल, बात कर लूंगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितने प्रोजेक्ट हैं आपके पास, मेरे पास इस समय मैं आपसे कॉल पे बात कर लूंगा सर, क्योंकि स्ट्रक्चर में लगभग 5 एम्प्लॉई मेरे पास है। ठीक है, मेरे आप पास अभी हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, एक एक हफ्ते ज्यादा हो गया है अभी भी। ले आओ, कितने प्रोजेक्ट, सारे मेरे एम्प्लॉय सब बिजी हो जाए, कर दूंगा मैं। ठीक ये तो सर बहुत अच्छी बात है है, सर। कौन हाँ सा सर हाँ जी विनीत, ट्रिक है सर? हाँ मैं सर आपसे वो कॉल पे हमें भी मैं बता आपसे दीजिए। इस पर मैं आप कॉल पे बात ओके, कर विनीत लूंगा आपसे। बोल रहे हैं कौन से ट्रिक है। ठीक है, किसी और दिन बताऊंगा। ठीक है, अरे कल बहुत चौथे, जबरदस्त दिया सर की वो। ठीक है, कल हाँ कल बताऊंगा कैसे प्रोजेक्ट ढेर सारे पाते हैं। ठीक है, उससे प्रोजेक्ट तुम पा सकते हो, तो प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बारे में अलग से डिस्कस कर लेंगे विनीत। ठीक है, लेकिन वक्त लगता है, 1.5 साल चक्कर लगाएंगे कम से अब कम। इतना पेशेंस रखना पड़ेगा, 1.5 साल का टाइम लगना चाहिए। ठीक है, 1.5 साल तो तो चक्कर लगाए कम से कम, तो कमी ओके, है। okay. ठीक कमी है तब, ठीक है, तब कल कल बताऊंगा वो ट्रिक। ठीक है, है सर, चलो ठीक है, ओके ओके सर, जय हिंद। ओके, जय हिंद।